गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ विष्णु शर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम एप्लेट लाइफ साइकिल, एप्लेट टैग, पेंट मेथड, अपडेट मेथड, रीपेंट मेथड, सेट बैकग्राउंड मेथड, सेट फॉरग्राउंड मेथड, सो स्टेटस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर पूरा एप्लेट से रिलेटेड है। वैसे हमने लास्ट लेक्चर में, जावा के लास्ट लेक्चर में एप्लेट लाइफ साइकिल को डिस्कस किया था, पर हम इसे और फिगर डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा ये लेक्चर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 309 से रिलेटेड है, जावा टूल से रिलेटेड है। एप्लेट लाइफ साइकिल, बेसिकली जो एप्लेट होता है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन फेजेस में बटा हुआ होता है। सबसे पहले उसका जो बॉर्न होता है, वो स्टार्ट होता है, बॉर्न होता है, वो इनिट मेथड से स्टार्ट होता है। इनिट मेथड से एक एप्लेट बॉर्न होता है। देन जब वो रनिंग स्टेज में आता है, तो रनिंग स्टेज में आने से पहले स्टार्ट मेथड कॉल होता है, तब वो रनिंग स्टेट में आ पाता है। अब रनिंग स्टेट में रहते हुए आप किसी भी एप्लेट के थ्रू कोई डिस्प्ले, इमेज डिस्प्ले करवाना, कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना, ये आप काम पेंट मेथड को कॉल करते हुए आप कर सकते हैं एप्लेट में। जब आपका रनिंग स्टेट ख़त्म हो जाए और आपको एप्लेट को आइडल स्टेट के अंदर रखना हो, तब आप कौन सा मेथड कॉल करते हैं? तब कौन सा मेथड कॉल होता है एप्लेट के अंदर? स्टॉप मेथड कॉल होता है। तब एप्लेट बंद नहीं होता, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो एक आइडल स्टेट में आ जाता है। अगर वापस से हमें एप्लेट को रनिंग स्टेट में डालना हो, तो हम स्टार्ट मेथड कॉल करके रनिंग स्टेट के ऊपर जा सकते हैं। रनिंग स्टेट की हेल्प से हम दोबारा से एप्लेट को पेंट मेथड के थ्रू, एप्लेट के थ्रू इमेज, टेक्स्ट, मल्टीमीडिया फंक्शंस डिस्प्ले करवा सकते हैं। देन हम वापस उसे स्टॉप मेथड के थ्रू आइडल स्टेट में पहुंचा सकते हैं। जब हमें एप्लेट बंद करना हो, तब उसे डेड स्टेट में पहुंचाने के लिए डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। तो इस तरीके से ये जो लाइफ साइकिल है, ये एक एप्लेट का लाइफ साइकिल है, जिसमें स्टार्ट, इनिट, स्टार्ट, पेंट, स्टॉप और डिस्ट्रॉय, ये सारे मेथड्स कॉल होते हैं। आप यहाँ देखेंगे कि आप स्टॉप कॉल करने के बाद जब आइडल हो जाता है एक एप्लेट, तब भी आप डायरेक्टली स्टार्ट मेथड को कॉल करके एप्लेट को फिर से रन कर सकते हैं पेंट मेथड के द्वारा। यानी आप स्टार्ट अगर कॉल कर देंगे, तो वो रनिंग स्टेट पे वापस से आ जाएगा आपका एप्लेट, और आप कोई भी इमेज, मल्टीमीडिया, टेक्स्ट ये डिस्प्ले करवा सकते हैं अपने वेब ब्राउज़र में। फाइनली एप्लेट तभी बंद होगा जब डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा, तब आप उसके बाद एप्लेट को, उसी एप्लेट को दोबारा काम में नहीं ले सकते। तो इनिट मेथड, स्टार्ट मेथड, पेंट मेथड, स्टॉप मेथड एंड डिस्ट्रॉय मेथड, ये पांच मेथड्स एप्लेट लाइफ साइकिल के अंदर होते हैं। एप्लेट टैग के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। फॉर ईच एप्लेट ए HTML फाइल इज टू बी रिटन इन विच वी गिव द नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लेट। बेसिकली आप इसके थ्रू नेम और एड्रेस ऑफ एप्लेट लिखते हैं। द एप्लेट टैग, ये जो एप्लेट टैग है, हैज़ विद मैनी एट्रीब्यूट्स
एट्रीब्यूट्स, बहुत से एट्रीब्यूट आपकी एप्लेट टैग रखता है, फॉर विच कोड विड्थ एंड हाइट आर इम्पॉर्टेंट. इनके अंदर कोड विड्थ और हाइट इम्पॉर्टेंट है. द कोड एट्रीब्यूट इंक्लूड्स द नेम ऑफ एप्लेट. ये कोड एट्रीब्यूट जो होता है वो रखता है नेम ऑफ एप्लेट. आपका नेम ऑफ एप्लेट कौन रखता है? कोड एट्रीब्यूट रखता है. ठीक है. विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट गिव द साइज ऑफ एप्लेट विंडो इन द ब्राउजर इन पिक्सल्स. और जो आपकी विड्थ और हाइट है ये साइज ऑफ एप्लेट विंडो रखते हैं. ठीक है. किसमें? ब्राउजर में, पिक्सल्स के अंदर. तो ये तो क्या कहलाते हैं? एप्लेट टैग होता है. ठीक है. ठीक है, अब एप्लेट टैग समझ में आने लगा. फॉर ईच एप्लेट ए एच टी एम एल फाइल इज टू बी रिटर्न इन विच वी गिव द नेम एंड एड्रेस ऑफ एप्लेट. ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है. और एप्लेट टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट रख सकते हैं? कोड विड्थ हाइट, ये तो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट से तो रखना ही है. और कोड एट्रीब्यूट एप्लेट का नेम रखता है, और विड्थ और हाइट एप्लेट की साइज रखते हैं, एप्लेट विंडो की साइज. ठीक है, वेब ब्राउजर में जो कि पिक्सल्स में होती है. अब अगर हम पेंट मेथड की बात करें कि पेंट मेथड क्या काम करने के काम आता है, तो जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट कंपोनेंट क्लास प्रोवाइड्स मेथड ऑफ एप्लेट. आपकी जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट कंपोनेंट क्लास होती है, ये प्रोवाइड करती है मेथड्स ऑफ एप्लेट. जी ग्राफिक्स जी पेंट जी ग्राफिक्स जी मेथड इज यूज टू पेंट द एप्लेट. बेसिकली आपका जो पेंट ग्राफिक्स जी जो मेथड है ये आपका किस काम आता है? पेंट करने के लिए एप्लेट को. ठीक है. इसमें होता क्या है, ग्राफिक क्लास ऑब्जेक्ट जी को काम में लेते हैं अपन. ग्राफिक क्लास के ऑब्जेक्ट जी को हम काम में लेते हैं पेंट करने के लिए. इट प्रोवाइड्स ग्राफिक्स क्लास ऑब्जेक्ट. ये प्रोवाइड करता है ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर ड्रॉ ओवल रेक्टेंगल आर्क ईटीसी. ये क्यों काम में लेते हैं? दैट कैन बी यूज्ड टू ड्रॉ फॉर ओवल, ओवल शेप, रेक्टेंगल शेप और आर्क शेप आपको ड्रॉ करना है, तो ये मेथड आपको ग्राफिक्स क्लास के जी ऑब्जेक्ट को यूज में लेते हुए आप काम में लेंगे पेंट मेथड में. द पेंट मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली बाय द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट मींस यूजुअली वेब ब्राउजर के थ्रू पेंट मेथड ऑटोमेटिकली कॉल होता है. दैट कंटेन्स द एप्लेट वेन एवर द एप्लेट विंडो नीड्स टू बी रीड्रॉ. ठीक है. एक आप पेंट मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल करवा सकते हैं वेब ब्राउजर से. इन एडिशन टू दीज इम्प्लिसिट कॉल टू द पेंट मेथड. ये इम्प्लिसिट कॉल होता है, मतलब ये तो इम्प्लिसिट कॉल होता ही है. आप इसे एक्सप्लिसिट भी कॉल कर सकते हैं, अलग से भी कॉल कर सकते हैं ब्राउजर में. ठीक है. इन एडिशन टू दीज इम्प्लिसिट कॉल to the paint method by the environment, one can also call paint method explicitly, अलग से call कर सकते हैं whenever the applet window needs to redraw using repaint method. यहाँ repaint method को use में लेते हुए आप अपने paint method को दोबारा call कर सकते हैं. ठीक है. किसमें? अपने web browser में. अब अपडेट मेथड की हम बात करते हैं. अपडेट मेथड क्लियर द विंडो विद द बैकग्राउंड कलर ऑफ द एप्लेट एंड देन कॉल्स पेंट मेथड. आपका अपडेट मेथड जो होता है ये आपका क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है. क्लियर द विंडो
विद द बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से आपकी विंडो को क्लियर करने के काम में आता है कौन सा, अपडेट मेथड। और उसके बाद क्या होता है, पेंट मेथड कॉल होता है ताकि आप उसमें कुछ और ड्रॉ कर सके। ठीक है, ये अपडेट मेथड का वर्क होता है। वी कैन ओवरराइड दिस मेथड टू डू अवर डिजायर्ड एक्शन लाइक नॉट क्लियरिंग प्रीवियस विंडो। हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि हमें प्रीवियस विंडो को अगर क्लियर नहीं करना हो तो हमारे पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है अपडेट मेथड में। ठीक है, बेसिकली वैसे अपडेट मेथड आपके विंडो के बैकग्राउंड कलर से इसे क्लियर करने के काम में आता है ताकि आप अपने उसके अपने अपडेट मेथड के बाद आप पेंट मेथड कॉल करते हुए कुछ नया ड्रॉ कर सकें। रीपेंट मेथड को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। रीपेंट मेथड इन एप्लेट इज यूज टू ड्रॉइंग अगेन द एप्लेट विंडो। रीपेंट मेथड क्या है, आपके एप्लेट विंडो को दोबारा ड्रॉ करने का काम करता है रीपेंट मेथड। आफ्टर ए कॉल टू रीपेंट मेथड, ए कॉल टू अपडेट मेथड इज मेड फॉर ड्रॉइंग। ठीक है, यानी रीपेंट मेथड में होता क्या है, आफ्टर ए कॉल रीपेंट मेथड, ए कॉल टू अपडेट मेथड, बेसिकली रीपेंट मेथड में अपडेट मेथड कॉल होता है ड्रॉइंग के लिए। दिस मेथड इज कॉल्ड बाय एपलेट whenever it needs to update the information in applet window। अगर आपको आपके applet window के अंदर informations update करनी हो तब आप applet window में repaint method call करते हैं। ठीक है, this method is called by applet whenever it needs to update the information in applet window। repaint method कोर्स द AWT रन सिस्टम, रनिंग टाइम सिस्टम टू एग्जीक्यूट द अपडेट मेथड ऑफ कंपोनेंट क्लास विच क्लियर द विंडो विद द बैकग्राउंड कलर ऑफ एपलेट एंड कॉल पेंट मेथड। हम समअप करते हैं रीपेंट मेथड को। रीपेंट मेथड इज इन्वोक टू रिफ्रेश द व्यूइंग एरिया। आपके व्यूइंग एरिया को रिफ्रेश करने के काम आता है कौन, रीपेंट मेथड। इट्स इंप्लाइज यू कॉल इट व्हेन यू हैव न्यू थिंग्स टू डिस्प्ले। अगर आपको नई कुछ ड्राइंग अपने एप्लेट के अंदर काम में लेनी है तो आप क्या करते हैं, रीपेंट मेथड को कॉल करते हैं। अब हम सेट बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सेट बैकग्राउंड जो मेथड होता है वो क्या काम में आता है। बाय डिफॉल्ट द एप्लेट विल यूजुअली हैव अ ग्रे बैकग्राउंड। बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि आपका एप्लेट जो होता है वो ग्रे ग्राउंड, ग्रे का जो कलर का है वो बैकग्राउंड रखता है। व्हेन डिस्प्लेड इन वेब ब्राउजर, जब भी वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होता है तो आपका जो बैकग्राउंड ग्रे कलर का डिस्प्ले होता है। सेट बैकग्राउंड जावा डॉट ए डब्ल्यू टी कलर मेथड इज यूज टू चेंज कलर ऑफ एप्लेट विंडो। आपका जो सेट बैकग्राउंड मेथड है इसकी हेल्प से आप अपनी एप्लेट विंडो के कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Defining the background color in the init method will change the color as soon as applet initialized। आप background color को जब change करते हैं तो init method will change। init method क्या करता है, change कर देता है color को, background color को। ठीक है, applet के जितना जल्दी possible हो उतना जल्दी वो applet को initialize करते हुए उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता है। तो बेसिकली आपका बैकग्राउंड कलर चेंज करने के अंदर काम में आता है सेट बैकग्राउंड कलर। अब हम
सेट फॉरग्राउंड मेथड और सो स्टेटस मेथड को डिस्कस करते हैं। तो जैसे बैकग्राउंड कलर तो हम सेट बैकग्राउंड मेथड से चेंज करते थे, अगर आप सेट फॉरग्राउंड जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट कलर मेथड को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, इज यूज टू चेंज फॉरग्राउंड कलर ऑफ एप्लेट विंडो। ये फॉरग्राउंड कलर को चेंज करता है, बैकग्राउंड कलर को नहीं चेंज करता। इट यूज टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट ग्राफिक्स इन एप्लेट। आपके फॉरग्राउंड मीन्स आपके टेक्स्ट और ग्राफिक्स के कलर्स को चेंज करने के लिए आपके ये सेट फॉरग्राउंड मेथड काम में आता है। आप इसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट और ग्राफिक्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। दिस इज यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। अब आप बात कर रहे हैं सो स्टेटस जो मेथड है उसको, ये क्या काम में आता है, दिस इज यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन एपलेट विंडो स्टेटस बार फॉर द ब्राउजर ऑफ द ब्राउजर। दिस इज यूज टू डिस्प्ले, ये जो आपका शो स्टेटस है ये किस में काम में आता है, डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले करने के काम में आता है इन एपलेट विंडो स्टेटस बार ऑफ द ब्राउजर। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एपलेट लाइफ साइकिल, एपलेट टैग को, और हमने पेंट मेथड, अपडेट मेथड, रीपेंट मेथड, सेट बैकग्राउंड मेथड, सेट फॉरग्राउंड मेथड और शो स्टेटस मेथड को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम प्रैक्टिकल करते हुए इन सारे मेथड्स को काम में लेते हुए एक एप्लेट हम बनाएंगे और रन करा के उसे देखेंगे। थैंक यू सो मच।